सतीश प्रकाश जी से मैं ये जानना चाहती हूँ, सतीश प्रकाश जी, ये एसआईटी की रिपोर्ट आई है सर, एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार ने कल एक्शन ले लिया है, एसडीएमसीओ समेत 6 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, और आज बहन मायावती का ट्वीट आता है, पोस्ट करती है वो सोशल मीडिया पर, वो इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है। ये राजनीति से प्रेरित एसआईटी की रिपोर्ट क्यों नजर आ रही है, क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्लीन चिट यहाँ पर बाबा को दी जा रही है? सतीश प्रकाश, नहीं देखिए, बाबा को 800 पेज की एक रिपोर्ट है, और एक बाबा जो है इतने सारे लोगों को, बाकायदा प्रशासन को एक झांसे में लेकर के 80,000 की परमिशन लेते हैं, 2.5 से 3 लाख लोगों की भीड़ कर पेज की रिपोर्ट बनाती है, जो तथाकथित बाबा है जिसके बुलावे पे ये सारे के सारे लोग आते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं, अपनी जान गंवाने के बावजूद भी आखिर सरकार की देती है कि देखो जो मरने वाले लोग गए हैं कहीं ना कहीं सर, और अभी उसमें एफआईआर की रिपोर्ट जो फर्स्ट एफआईआर है के अंदर कहीं भी बाबा का नाम नहीं है, तो वो तो आयोजकों ने किया था ना आयोजन भाई, ये कहा जा रहा है कि आयोजन आयोजकों का था, बाबा तो खुद वहां पर मेहमान की तरह आया था, और बाबा जब निकल गया उसके बाद ये भगदड़ हुई है, लेकिन आपके निशाने पर बाबा आ रहा है क्यों? अरे भाई मेरे निशाने पे बाबा नहीं है, मेरे निशाने पे अंधविश्वास है, इस भारत में तमाम हॉस्पिटल बंद कर बाबा, तमाम जो भी व्यक्ति बीमार हो वो बाबाओं के पास जाए, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद करा दो, इन बाबाओं से जाकर के शिक्षा दिलवाओ ना, ये तमाम तो गरीब लोग मरे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, सुनिए, क्योंकि एक जाति विशेष के लोग मरे हैं, और जाति विशेष जिस जाति के ये लोग आते हैं सरकार की नीयत उनके प्रति बहुत बेहतर नहीं है, और ये हाथरस में पहली घटना नहीं है, अब तो 2 साल पहले एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, यही एसआईटी होती है, यही न्यायिक आयोग होता है, बाकायदा जिनकी जांच के आधार पर जो आरोपी है वो आज की डेट में कहीं ना कहीं जमानत पे है। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाबा को लेकर नरमी बढ़ती जा रही है ना, बाबा को क्लीन चिट देना राजनीति को हवा देने वाला है, खेल खेला जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, हमारे साथ देखिए, बीजेपी से कोई मेहमान आज नहीं है, आज हमारे साथ लेकिन बीजेपी के साथ ही एनडीए में शामिल आरएलडी पार्टी के रोहित अग्रवाल मौजूद हैं। रोहित जी, सबको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि फिर मैं जवाब आप ही से लूंगी। अब मैं चल रही हूँ अखिलेश जी के पास, और अखिलेश जी से जानते हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट, अखिलेश जी, कांग्रेस का इस रिपोर्ट पर नजरिया, मायावती तो साफ तौर पर कह रही है कि ये क्लीन चिट देने का काम किया गया है बाबा को, जो बिल्कुल गलत है, आपका नजरिया क्या है सर? सबसे पहले तो हम अपना नजरिया व्यक्त करेंगे कि इतने ज्वलनशील मुद्दे पे आप बहस कर रहे हैं, बीजेपी का नुमाइंदा क्यों नहीं है? इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं बीजेपी के दिल में क्या है, क्योंकि उन्हें क्लीन चिट देने के बाद डिफेंड करना आज बड़ी मुश्किल होती। क्यों आ रहे हैं? या तो सरकार या पार्टी में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग है, सरकार को घेरने में जो विपक्ष घेरेगा उसको बचा पाने में असफल होंगे, इसलिए जाओ ही न। ठीक है, तो ये अपने आप में परिभाषित करता है बीजेपी की नीत उत्तर प्रदेश में कितनी डबल स्टैंडर्ड की है, आज के इस बहस में अपने नुमाइंदगी को न भेज करके। ठीक है, और देखिए, जब से ये बीजेपी की सरकार यूपी में आई है पिछले लगभग 8 वर्षों से, हमको लगता है 125 से ज़्यादा एसआईटी गठित हुई होंगी, 4-5 साल में ही करीब 60-62 एसआईटी तक की तो हमने रिकॉर्डिंग की थी, और एसआईटी गठित हो जाती है जिन चीज़ों में इनको अपने मनमाफा रिजल्ट लाना होता है, क्लीन चिट देना होता है या कुछ और करना होता है, उसमें ये सरकार बड़े चतुराई से एसआईटी गठित कर देती है और सब उसमें अपना काम धाम कर लेते हैं। जितने यहाँ जेल में, कस्टडी में और बड़े बड़े लोगों की हत्याएं हुई हैं उस सब में एसआईटी गठित है, सब में आप देख लें, किसी का खुलासा नहीं हुआ, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ तक हुआ, क्या क्या हुआ। तो ये क्या फ़ोन कट गया था क्या? ठीक है सर, हाँ फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा से हम चलेंगे अखिलेश जी के पास, उन्होंने पहले राउंड में लेकिन अपनी बात विस्तार से रख दी है। मैं एपी सिंह सर के पास चलूँ, उससे पहले ज़रा जल्दी से एक बात हम रुक करते हैं अनुराग भदौरिया का, और जरा अनुराग भदौरिया से जानते हैं कि एसआईटी की ये रिपोर्ट और इसमें बाबा का दूर दूर तक कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जिम्मेदार जो है वो शासन प्रशासन को मानते हुए सीओ एसडीएम समेत 6 अधिकारी जिनको निलंबित कर दिया गया,
ऐसे में आपका रुख क्या है कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि बाबा को बचाया जा रहा है? अनुराग भदौरिया। रोमाना जी, आप इस बात से समझ गई होंगी कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नुमाइंदे कितने जिम्मेदार हैं। जब जवाबदेही का समय आता है तो टीवी डिबेट से गायब हो जाते हैं। जब जवाबदेही का समय आता है तो वो अपनी बात कहने के लिए कैमरा के सामने नहीं आते हैं। तो सवाल ये है कि अब जवाब जिससे लेना है, जिन्होंने जिसकी सरकार में SIT गठित हुई, उन्हें SIT की रिपोर्ट दी, अब हम उनसे सवाल पूछते। अब रोमाना जी से तो पूछेंगे नहीं, जवाब पूछते तो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे से, लेकिन वो निराधर है, निकल लिए पतली गली से, भाई उनको जवाब तो देना ही नहीं है। कमाल की बात, 120 लोगों की मौतें हो गई, ये अपने ही तो हैं, अपने ही तो हिंदुस्तानी हैं, अपना ही खून है, अपने ही भाई बहन माता हैं। अब ये आप उनके बारे में अगर बात करने से कतरा रहे हैं आज, माने आप इतनी बड़ी घटना हो गई आज बीजेपी बाद, अगर हम सवाल पूछें कि भाई वहाँ प्रशासन की या किसकी जिम्मेदारी थी, गायब। इसी तरह से आपने देखा होगा जब पहलवान महिलाओं पर चर्चा हो रही थी तब भी गायब, जब हथरस की पहले बेटी के साथ अन्याय हुआ था हम लोग आवाज उठाए थे तब भी गायब, ठीक है। जब आपने देखा BHU की घटना हुई थी तब भी गायब। अरे जब हमारे लोग, अपने लोग जब परेशानी में होते हैं तो बीजेपी गायब क्यों हो जाती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जवाब हमारे साथ नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।